हाँ लाला जी, पाँच हो रहे। हम जा कह रहे हैं आपके आशीर्वाद से चंगू मंगू की सरकारी नौकरी लग गई, चपरासी बन गए चपरासी। हाँ नहीं, हम तो भेज रहे हैं मंगू को, जीजी को पठे दे ना, इन करियो लाला जी, जीजी को पठे दे और फिर तुम कल लो बाल सांगड़ा लगाए दे, ब्याह को लगाए दे चाहे कहू गए आप। ठीक है लाला जी, हम चंगू को भेज रहे हैं, पांच छू रहे। लाओ मेरे को मेरा फोन दो। कह रहे मंगुआ मिठाई उठाई ले आओ, कछु पेट है पापा। मैं नहीं लाया, मैं बाहर से लाऊंगा लड्डू। पौर से बोल, बाहर से कल लाऊंगा यही आचार जी की दुकान से ले आओ हरगोबिंद पैसे। अरे अभी वहां जाऊंगा तो ऐसे ही तो बोलूंगा। अच्छा, अरे तो फोन जाए कहाँ रहा है, थोड़ा ठहरा रहना, हमको नेक्स्ट लेना। जब नहीं उतर पाते फिर क्यों चढ़ते हो? अरे बुटा मीमा में चिपक रहा हो तो पकड़ नहीं रहा हो तो हम भी कहीं नहीं। जाओ जाओ, मिठाई हम ले जाए रहे, तुम जाओ जीजी को लगा दिया। अरे मर गए गर्मी में। अरे जीजी अब टेंशन ना लो, अब गाड़ी ही लेने आए जब मानो। बैठो जीजी। ए मंगुआ क्या पानी लिया जीजी के लिए? और बताओ जीजी, रास्ता में कछु हैरानी तो नहीं भाई? जो दारू ले आओ दे। अरे ऐसे पी है काम, बैठा लिया पौर से ट्रे में भर के। जी जी अमाउंट तो बड़ा पो सुधार को से चंगू मंगू ची पे का अंत जानत पे ये को बुद्धियन को कछु नहीं होया, अकेले जी जी है वो बहु एक नहीं दो मन की ये घट्टी। चलो भगवान ने तुम्हारी सुन तो लई भैया, आजकल ब्याहू नन्ना ना नौकरी काऊ है। जय तो जी जी हम कह रहे थे बिना सरकारी नौकरी के तो फिर ब्याह ही नहीं। अरे अब ब्याह तो हुए जे लो आजकल काऊ नन्ना। बता रहे ले 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 लड़का खा जी। पर लाला जी ने कछु बताई आपको को आए रहे कहां का भेंद बाली जा रहा है? बिन्ने हमसे कह दे कल के कल ही आए रहे रिश्तेदार। हां लेवाए की गाड़ी भर के आए कल। चंगू और कुर्सी ले आओ, दो भर दिन ले आए के आओ जल्दी। अरे आए रहे पापा को ले आए कह रहे। अरे मुंशी कहाँ जा रहे? अरे इतने आओ तुम उतने लगे हो, जल्दी आओ। अरे आए रहे तुम तो बहुत उकली आए रहे यार। देखा हुआ बाली आप हो जी, इतने उतने फिर रहे, एक तो धमका है आज तो कहाँ बैठा ले। आओ काई ठाड़े भी होनी आए रहे। अरे जल्दी आओ धर दे जी, और ने ढंग के कपड़ा अपड़ा पहन ले, ऐसे ही फरत रहेगा, धर जल्दी फज बच के आइए जब बुलाओ जाए था। मर जाओ मर जाओ, को बुद्धि जाने कैसे नौकरी लग गई इनकी। चल जाओ, देखो मम्मी से कह दी क्यों बढ़ गए नाश्ता वास्ता लगा लगवी के है तैयार रखो। मम्मी कह रही कि मामाए मालिक बने, अबे कछु बातचीत ना करियो। तुम्हारी मम्मी को अलग ही सिस्टम चला थे, वो मामा है तुम्हारा टोपा है भाई मालिक बना दे में। मामाए मालिक बने और ब्याह सोनी हो पे हो ऐसे ही फेर हो तो फिर फूफाई को मालिक बनाओ, हमारे यहाँ लाओ तैयार हो के। जाओ जाओ, एक तो आज गर्मियों रिकॉर्ड तोड़े हैं। अरे भैया देखूंगा कितू खने आए फकत है, हम सोच रहे उसे ही चलो अपन देखे उन्हें जाए के न को उठकाए उठकाए दे बे। ज्यादा ना उकले आओ, निबेजा समझ के अपन गरजू है। अरे ने तसल्ली रखो, मोड़ा की बाप हो जितू मिला थो उतू नहीं मिले अगर ऐसे ही रहे। बात तो सही कह रहे मुंशी, तो चलो आओ तो बड़े तसल्ली से बात कर रहे हैं उनसे, आओ बैठिए। लाइट नहीं पवर रही,
अरे अकेले आओ नहीं बैठो बेजा समाज के गर्जू है अपन तसल्ली से बैठो आए जान दे मोड़ा की बाप है तुम बैठो तेज हम गाड़ी लगवाए के आओ हैं 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 बस आ जाओ रबड़े आ जाओ आ जाओ आ जाओ अरे वाह जाओ वाह वाह हुई नाम कुटी रहो आ जाओ चलो अजमाई जाओ और कहा हो रहा हो कितनी गर्मी है आज तो अरे बहुत बाप का है बोल तू हम कह रहे हैं ओ लाला जी घरे का वे अरे कछु नहीं भाई जाओ वो इतनी गर्मी पड़ रही हो मजदूर तो आ नहीं रहे हार्वेस्टर चलवा रहे थे वो हार्वेस्टर लगी थी एक खेत में अरे तो खेत ही है ना वो 400 बीघा को एक खेत अब 100 तो लगे हुए थे में और मुलक ले लाई ना खेती है बेटा उसने भाई 200 बीघा के और दो चक ले लाए अच्छा बाबरे आओ 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 अरे राम राम सीताराम भाई साहब सीताराम कुटी ठीक है पूजा राम आजा ना बैठो आओ हम काय को बिचना कर रहे जजान के जी गरजू है ले करो पाए हाथ में बेचना और बताओ लाला जी का हाल है आप चाचा हैं लड़की के समझ रहे और जो है छोटो भैया मोड़ी को अच्छा अरे का बताए बहुत जनन के फोन आए फवेरे से जमानो के तुम बहुत भागफाली हो के सबसे पहले तुम्हें आए गए और हम घर मिल गए और मोड़ू अब है ड्यूटी पे चढ़ने यहाँ पे दो चार दिन में जब मानो के तुम्हारी किस्मत अच्छी है तुम मोड़ू अब है घर ही है ड्यूटी पे चढ़े नहीं जोन दिना से नौकरी लगी है तदना से फोन की जड़क पड़ी है मेरे कह रहे हमारा रिश्तो कर ली हमारा रिश्तो कर ली दिमाग खराब नहीं हो गए नहीं बताओ हम बता रहे ब्याह के लेकिन लागा हम चले गए तो वो तो हम करवाए रहे और तुम क्या जान रहे मोड़ा कलेक्टर बन गए तुम्हारे चपरासी बने चपरासी फोर्थ क्लास के दिमाग को थोड़ो होश में रह के बात करो पाँव आओ तो तुम छुए नहीं रहे अलग ही तुम्हारे रुआब हो गए अरे नहीं लाला जी ना हो लाला जी नाराज ना हो जाओ हम नहीं करवा रहे ब्याह आओ ले फूफा का होएगा कहाँ चल भाई अरे अपने पापा को समझा लो जो तुम्हारे ब्याह को हेल्लो नहीं लगन दे इन्हें समझाओ पहले अरे ना फूफा ऐसो ना करो जो पापा तो हैं ऐसे ही ब्याह ना भाओ तो का फायदा जा नौकरी को का फायदा इतनी पढ़ाई लिखाई को अरे लाला जी नाराज ना हो लाला जी है तुम्हारे पास तुम्हारे लाला जी है चलो लाला जी चलो ठीक है हम जा रहे हैं अब समझ रहे जब हम बैठ जाए बाकी बात थोड़ी देर में आइयो और पूरा सम्मान करो बाकायदा जैसो करा थे ज्यादा दिमाग खराब ना होना तुम्हारे चपरासी मोरा बन गए तुम हमें डका रहे लंका को फोनो दिखाओ तुम लंका को फोनो चलो हटो जान दे हमें बैठन देता भाई अबे अब अबे नहीं उठे जब बैठे तब दोबारा से पान छूट दो और बाकायदा सम्मान करो समझे ठीक है लाला जी तुम चलो तो फिर हम आए रहे हाजिर नेक देर से चलो गुफी आए गए थे आ गए बड़े मोड़ा चपरासी बन गए तो ऐसे दिमाग खराब हो गए सम्मानी अम्मान कर वो भूल गए बहू फगा रहे हैं थोड़ी देर में और जबरे नाश्ता पानी आ रहा हूँ उधर करियो बैठ के कबड़ा गर्मी आज बहुत ही मुलाक है ए
अरे लाला जू हमारे तो दिमाग कैसे नहीं कर गई, अपने भगवान के पाए न छुपाए अन्य बात माफी चाहो लाला जू, पानी छुपाए थे लाला जू। लाला जी माफी चाह भाई बाबू कहाँ, अरे भगवान कुटी जाओ, बैठो यार लाला जी, तो भगवान है हमारे सामने क्या बड़े आदर सम्मान जो है वहाँ हमेशा उठनाते हैं। अकेले हम कभी वो नहीं करे समझ रहे कि हम बहुत वो बनेंगे हमेशा देखे आज नहीं बना। बैठो भाई साहब बैठो। हाँ लाला जी बैठा जाता साफ सीधारा। अब बात ऐसी है कि लाला जी हमारे लाए भगवान के समान है भाई, चंगू मंगू की नौकरी से कछु लेने देना नहीं, नौकरी के पहलू भगवान आते नौकरी के बाद आऊं जय भगवान रहे, हम इंसानन की कदर करते साहब। साहब ऐसी बात है हाँ कि हमारे भैया के दो मौड़ी हैं। अच्छा, भैया और भाभी दो जने चले गए। कहाँ चले गए? नहीं आपको बाउट रहो भाई साहब, लाला जी नहीं इनकी का है मौड़ी की माता पिता खत्म हो गए थे। अरे तो चाचा जी ने पाल पोस में बड़ी करी समझ गए, तो जिन्हें जो कटू करने शुरू कर। अच्छा भैया तो चले गए लेकिन भाभी को नहीं जाना है, तो तुम आओ ब्याह भाओ है कि तुम्हारा रड़ुआ मर रहा है हमारी ना ही। साहब ब्याह तो भाव है, तुम्हारे जैसे रड़ुआ तो नहीं है। भाव है समझन तो हो घर समझन खूब तंगड़ी है तभी चचोर गए तुम। मतलब सब ठीक ही है और तो सब साहब सब ठीक ठाक लग रहा हो, हम जाई सोचा कि भैया की दो मौड़ी एक ही घर में पहुंच जाए सुलाए से रहे हम उनको उद्धार हो जाए साहब। अच्छा हम तो हम जाई है के जहां हो गए एक ही घर से हो जाए दो बहनी आ जाए बड़ा फुलाए से रहे खबाने एकदम परे गाँव भर को। नेक्स्ट साहब मोड़न को और बुलाए देते फिर आगे बातचीत करी जाए कछु। मोड़न को आत हो अबे बुला लूं चंगू मंगू को बुला लूं तने जो देख ले फिर आगे फिर बात हो जाए बाद में। ए मुंशी ने चंगू मंगू को पास पठा दी और देखो आओ काले फोन है मां काले फोन मंगाओ मां काले फोन लाए क्यों लाला दिखाई नहीं रहा हम बैठे दो काले फोन लाए यू जब तुम आई हो औलाद। हाँ बदनसीबी से नहीं जो दो कैसी औलाद है बाप बेचारो बैठो चुपचाप बुकाले सुन रहा मैं कर रहा संस्कारी मोड़ा है का बता वो कहेगा भाई साहब ने ऐसी संस्कार ही जाए भाई जो को आज ना तो बड़ो भी साधे सम्मान कर रहे तो पांच चूले थे अब जो बुलाज ना कुंती छूने कुंती नहीं छूने उनके नहीं छूने थे मंगू।
नाश्ता पानी करो, मोड़ा उठा ले, खा ले लला, खा दे अब भराई लाई थी तो खा ले। ले लला जी वापस ले 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 ले, चाय दे बिस्कुट ले नमकीन दे। नहीं 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 तुम नहीं। बड़े लोग बात कर रहे तुम क्या बीच में बकर बकर कर रहे, चुपचाप खड़े रहो बिल्कुल। अच्छा साहब, जमीन अमीन कितनी पड़ जात आपसे? 12 बीघा खरेज होता, 3 बीघा के पट्टा है और 4 बीघा बेड़ा में डरी, पूरे 25 बीघा खरेज होता। ज्यादा ही नौकलिया रहो, हम क्या रही चौथिया हमें पूरा दिया। कनेक तुम चुप खड़े रहो ना, क्या मांगू सब बड़े लोग बात कर रहे हैं, तुम क्या आपस में रोड ने तुम लोगों से पूछे तब तुम बोलियो। जमीन जायदाद की जो बातें हो रही वो हम लोग बता तो रहे हैं। ये तो अपना इसकी का हो गई, तो 25 बीघा जोड़ रहा है, कैसे पढ़ लिख के नौकरी में लग गए, लगे हुए हो के ऐसे ही दे अबे कनपटी में जोड़े जे नौकरी और नौकरा। हट बोले, हमने कहा कहीं चुप खड़े रहो। कितने बड़े बेवकूफ हैं, ब्याव की मारे कैसे पकड़े आ गए पौर से हफी में कहता ही। दुनिया को जाने का ठोप लाऊ वहां पे ने जे मोड़ा ज्यादा नहीं उखले आए रहे, अजीब से लग रहा है कछु। अजीब अजीब कछु नहीं लग रहा है, नई नई नौकरी लगी ना पे सरिया से गए कछु नई उम्र ब्याह के मारे न। और टोमेटो नीति है ना, ऐसे अगर सरिया आए तो फिर मोड़ी के कंट्रोल में है, अपनी मोड़ी को राज इच्छा रहे समझ रहे, बात को हम लोग हम कह चाह रहे तुम आगे मन भरो, फिर बाकी बात हम बात में करते हैं। ठीक ठीक से भाई साहब, अब वो है अब ना तो और सब ठीक लगो। अगर सब ठीक है तो फिर अब अपन ने बड़ी बड़ी बातें कर लेने के लेन देन की। लेन देन की तो बात साहब ऐसी है कि जितो बहन है उतो खूब कह रहे, और फिर कुछ ज्यादा ख्वाहिश हो आपकी तो फिर साहब नहीं बन पे है। लेन देन की पिछाई ब्याह कैंसिल होत हो तो तुम एक हरदी की गांठ धर दियो, लेकिन ब्याह हुआ है। कैसे फर आ गए हरदी की गांठ और बटन की गांठ। देख लो भाई साहब, देख रहा है मोड़न को बहुत आगे नकार रहा है। हरदी की गांठ कह रहा है गांठ, ब्याह हमें कराई के रहने हम नहीं अब। देखियो अब टनक ब्याह व्याह के बाद न तुम्हारी गांठ करवा लेंगे। एफ ओ है साहब, अब ये लेन देन की बातें मोड़ी देखने के बाद ही करेंगे। आपको तो नीको लगो ना खमो तो बाल बच्चा देख लें तो खुला लो जू गलत का फंड। दो की दो चुप रहे चुप। चलो भाई आइयो मोड़ी देखन हम तो जा रहे हैं, चलो आ जाओ। सीताराम साहब ठीक साहब, सीताराम 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 जल्दी आए मोड़ी देखन। अरे चंगू मंगू जा रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, चलो भाई तो तुम्हें समझ जाओ। ठीक है भाई साहब, सीताराम 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 मॉडर्न को देकर आइयो जैसे नहीं आ गए। ओ सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बिचारा ओ दुल्ला।